right? So what do you think Raja stacks up? Raja need to gain lots of muscle mass. So do you think he's top five? Not now. He need to compete. He need to gain. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने सुना कि सिद्धांत जायसवाल बोले कि राजा अजीत मेरे इंडिया के मैन फिजिक कैटेगरी में टॉप फाइव के अंडर नहीं आते, तो ऐसा क्यों बोला सिद्धांत जायसवाल ने। इसके अलावा मनोज पाटिल ने क्या राजा अजीत के विषय में बोला, इसको भी हम देखेंगे। प्लस अरविंद रवि कुमार, मनोज पाटिल और सिद्धांत जायसवाल की मोस्ट मस्कुलर पोजिंग प्लस इनकी मैन फिजिक की पोजिंग भी देखेंगे। आप सभी को हम बता देते हैं कि कल बैंक्विल, ओमर वेंचुरा, अरविंद रवि कुमार, मनोज पाटिल और सिद्धांत जायसवाल लाइव आए थे, तो देखते हैं कि इन्होंने क्या बातचीत की है। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके पहले आप प्रेजेंट टाइम का वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो है ओवेद खान का। आप सभी को हम बता देते कि 5 दिसंबर 2021 को मसल मानिया इंडिया 2021 कॉम्पिटिशन हुआ था, जिसमें भरत सिंह वालिया इसको होस्ट कर रहे थे, जिसमें ओवेद खान मैन फिजिक कैटेगरी से टीन एजर चैंपियनशिप खेल रहे थे, जिसमें ये सेकेंड नंबर पर आए, मतलब कि फर्स्ट रनअप बन चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि ओवेद खान क्या भविष्य में उभरने वाला एक बॉडी बिल्डर सितारा है? क्या ये हमें इन अ फ्यूचर मैन फिजिक कैटेगरी में अमेचर ओलंपिया में दिख सकते हैं कि नहीं दिख सकते, या फिर ये मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। आप यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में इनकी फिजिक देख सकते हैं, इनका बैक देख सकते हैं। अभी इन्होंने केवल 2 से 3 ही साल इनको एक्सरसाइज करते हुए, इसलिए धीरे धीरे अपनी बॉडी डेवलपमेंट कर रहे हैं और अभी ये टीन एजर चैंपियनशिप खेल रहे हैं। धीरे धीरे जैसे मैच्योर होंगे तो वैसे वैसे इनकी बॉडी भी मैच्योर होती जाएगी। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा ओवेद खान के विषय में कि इनका फ्यूचर कैसा होगा, ब्राइट होगा कि नहीं होगा। तो चलिए, अब हम सबसे पहले हम मनोज पाटिल की पोजिंग देख लेते हैं और इनके बीच में क्या बातचीत हुई सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको आगे इसका मतलब भी समझाते जाएंगे। Hey Omar, we gotta give him a score. Ooh, like back up, I can't see your feet. Scoot back a little bit. Hold on, Manoj. Scoot back a little bit so we can see your feet. Oh, you can see he's got the shape. Like that's it. Dope. This is good. It's good. तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को जानते हैं कि मनोज पाटिल वैसे भी IFBB प्रो कार्ड होल्डर इन मैन फिजिक कैटेगरी में है, तो आप सभी को जानते हैं कि फिर इनसे अच्छी पोजिंग मैन फिजिक कैटेगरी में किससे बनेगी। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि मनोज पाटिल ने राजा अजीत के विषय में क्या कहा है। He was getting second place, third place, fourth place, and finally in 2021 he got the overall championship of Amateur Olympia. He got overall championship of Sheru Classic as well. So in so, one day, who wins out of you two? Sorry? Who wins out of you and Raja? No, I don't know. You guys judge. Hey, how's the camaraderie in India? Does everyone get along, or do people talk shit about the champ? Is everybody friends out there in India? Yeah, everybody. All the athletes. You are friends. दोस्तों, यहाँ पास मनोज पाटिल राजा अजीत के विषय में बोलने की, राजा अजीत काफी लंबे समय से कंपटीशन खेल रहे हैं, काफी लंबे समय से वो अपनी फिजिक और सिमेट्री में फोकस कर रहे हैं, तो इसी कारण से 2021 में अमेचर ओलंपिया सेरु क्लासिक दोनों में ही उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और मैन फिजिक कैटेगरी में ओवरऑल चैंपियनशिप विनर बन के प्रो कार्ड भी हासिल किया है। उनके एब्डोमिनल पार्ट, उनकी सिमेट्री और कंडीशनिंग तीनों चीज ही बेटर है। इसके अलावा बैंकुल ने मनोज पाटिल से पूछा कि क्या इंडिया में सभी बॉडी बिल्डर एक दूसरे के फ्रेंड है कि नहीं, तो मनोज पाटिल यहाँ पास आंसर देते हुए बोलते हैं कि यस, वी आर फ्रेंड ऑल बॉडी बिल्डर्स। तो दोस्तों, यहाँ पर मनोज पाटिल बोले कि हाँ, हम सभी कोई दोस्त बन के रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं आगे सिद्धांत जायसवाल क्या कहते हैं, लेकिन आप वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पास अरविंद रवि कुमार पोजिंग दे रहे हैं मैन फिजिक कैटेगरी में। अब मनोज पाटिल ने अरविंद रवि कुमार के विषय में भी ये कहा कि इंडिया में सबसे बिगेस्ट मसल मैन फिजिक कैटेगरी में अरविंद रवि कुमार है और सिद्धांत जायसवाल ने भी इस बात को कहा है। तो दोस्तों, अब हम आगे वीडियो देखते हैं। The IMMC. What is that? Indian Most Muscular Competition.
दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि यहाँ पर उमर वेंचुरा और वेंकुल के डिमांड पर अरविंद रवि कुमार और सिद्धांत जायसवाल अपनी मोस्ट मस्कुलर पोजिंग यहाँ पर शो कर रहे हैं, आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को कौन सबसे ज्यादा बेटर लग रहा है, रवि कुमार की सिद्धांत जायसवाल? अब हम दोस्तों आगे सुन लेते हैं कि सिद्धांत जायसवाल ने भुवन चौहान और राजा अजीत के विषय में क्या कहा है। So do you think he's top five? Not now. He need to compete. He need to gain. So at least 20 to 25 LPS. Then he can compete at pro stage. You know very well what I'm saying. This is fact. Okay. He got very, very attractive physique, very complete physique. He has good ass structure, but still he need to gain. तो दोस्तों जब सिद्धांत जायसवाल से राजा अजीत के विषय में पूछा गया तो सिद्धांत जायसवाल राजा अजीत के विषय में बोलते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो राजा अजीत की फिजिक है वो प्रो शो के लायक नहीं है। वो यहाँ पर ये बोले कि उनके एब्डोमिनल पार्ट, उनकी कंडीशनिंग सिमेट्री सब चीज बेटर है, लेकिन अभी जो उनका मसल मास है वो कम है। यहाँ पर सिद्धांत जायसवाल बोलने की उनको अभी प्रेजेंट टाइम में लगभग 9 से 10 kg अपना वेट गेन करना चाहिए, वो भी सिमेट्री और कंडीशनिंग में, तब वो प्रो शो के लायक होंगे। यहाँ पर सिद्धांत जायसवाल यही रिप्लाई दे रहे थे वेंकुल और ओमर सर को। तो दोस्तों अब हम आगे सुन लेते हैं कि इनके बीच में क्या बातचीत हुई है। अब भुवन चौहान और टॉप फाइव के विषय में सिद्धांत जायसवाल ने क्या कहा है मैन फिजिक कैटेगरी में। Who is the best men's physique from India? Obviously Manoj Patil. He got very, very complete package. Manoj Patil. Ooh. Yeah, really. He's gifted. Who's the top five then, Sid? Manoj, Afroz, Sam, Bharat Raj. But I think Bharat Raj is not competing right now because he's doing movies and all. Is that right, Kumar sir? Yeah. He's doing movies. Yeah. So and one more guy. Is Bhuvan just more popular because he went to the Olympia, right? No, Bhuvan is very good and we can't compare anyone with Bhuvan because everyone need to perform at pro stage. And Bhuvan is already qualified for it. Oh, it's because none of these guys have gotten a chance to get on the pro stage, Omar, is what he's saying. Yeah, let them perform first at pro stage, then we can compare with them. Because Bhuvan is, two-time Olympian. He also won two-time pro show. तो दोस्तों जब सिद्धांत जायसवाल से इंडिया के टॉप फाइव मैन फिजिक कैटेगरी के बॉडी बिल्डर पूछे गए तो सिद्धांत जायसवाल बोलते कि एब्सोल्युटली मनोज पाटिल। यहां पर बोलते सिद्धांत जायसवाल की पहले नंबर पर मनोज पाटिल है। तो इसी पे उमर वेंचुरा और वेंकुल पूछते हैं कि क्या भुवन चौहान नहीं है इंडिया के टॉप फाइव मैन फिजिक कैटेगरी के बॉडी बिल्डर? तो यहां पर सिद्धांत जायसवाल कहते कि भुवन चौहान की कैटेगरी अलग है, वो मिस्टर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, तो इनके बीच में हम इनको ला ही नहीं सकते। मतलब कि जैसे मनोज पाटिल या अनबॉडी बिल्डर के नाम भी जैसे सिद्धांत जायसवाल ने बताया, बोले कि ये अभी इनको प्रो शो खेलना है, मिस्टर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना है। अब भुवन चौहान मिस्टर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, तो भुवन चौहान तो सबसे टॉप में है। तो दोस्तों क्या सिद्धांत जायसवाल ने राजा अजीत के विषय में सही कहा कि गलत कहा कि उनको प्रो शो खेलने के लिए अभी अपना 9 से 10 kg वेट और भी गेन करना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो, हमने वीडियो आपको सही तरीके से समझा पाया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आगे भी बॉडी बिल्डर से रिलेटिव अपडेट्स और जिम एक्सरसाइज नॉलेज से रिलेटिव वीडियो लाते रहेंगे। यदि आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी को जानते हैं कि हम सभी के कमेंट का रिप्लाई करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि केवल हम आप लोगों के सपोर्ट के कारण से ही आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।